बजरंगी गौ सेवा समिति के बबलू बजरंगी लोगों द्वारा घरेलू गायों को सड़क पर आवारा छोड़े जाने से नाराज होकर एक बीमार गौवंश को लेकर नगर परिषद कार्यालय पर पहुंच गए। इस दौरान मुनालाल मीणा ने उनसे समझाइश की कोशिश की, लेकिन बबलू बजरंगी ने कहा कि आप लोग घरेलू गायों को बाहर छोड़ने वाले लोगों को नोटिस क्यों नहीं देते हो। बबलू ने कहा कि लोग गायों का दूध निकाल लेते हैं और जब वो बेकार हो जाती है तो उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, ऐसे गाय मालिकों पर नगर परिषद कार्रवाई क्यों नहीं करती। काफ़ी देर तक वो हल्ला और सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण के कारण अधिकारी भी दबाव में नजर आए। कुछ देर बाद आयुक्त नगर परिषद दिलीप शर्मा पहुंचे, जिनको बबलू ने कहा कि आपको 6 माह से कहा जा रहा है कि आवारा पशु घर से निकालने वालों को नोटिस दो, जिस पर आयुक्त ने कहा कि अब हम ये कार्रवाई गंभीरता के साथ करेंगे। दूसरी ओर जिस गाय को बबलू नगर परिषद लेकर पहुंचे थे वो जर्सी गाय बीमार अवस्था में प्रगति नगर में थी, जिसको लेकर लोगों ने बबलू को फोन किया था। बबलू ने बताया कि शाम को अनाउंसमेंट हुआ है और जिसकी भी घरेलू गाय बाहर घूमती नजर आएगी उस पर प्रशासन की सहायता से पेनल्टी लगवाने का काम किया जाएगा। बीमार गौवंश को कोई गौशाला तक पहुंचाता है तो उसकी इमदाद की जाएगी। लोगों द्वारा घरेलू गायों को राहों पर छोड़े जाने पर किसी प्रकार की मदद नहीं की जाएगी। जो भी देख रहे हैं वो शेयर कर दो, मेरे अधिकार का प्रयोग नहीं आ रहे हैं, पढ़ना भी अभी बैठ रहे हो, मैं भी आज धूप में बैठ रहा हूँ, मुझे कितने बैठना पड़े। कमल दादी कमल भाई जी देखकर वीडियो देख रहे हो, नगर पालिका आदमी जो भी हाजी साहब से मेरे भाग्य पास में ध्यान मार गए, बबलू एम्बुलेंस तुम भेज रहे हो आज के बाद। कभी सबने समझा लिया, प्यार समझाना, सबने प्यार समझा लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो भी है सारा बता दो। जैसा भी अधिकारी है सारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों का दीक्षांत समारोह मांडेता स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र पर किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि साहित्यकार डॉक्टर घनश्यामनाथ कसावा मौजूद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त स्टेशन अधीक्षक मधुसूदन अग्रवाल, वरिष्ठ पत्रकार कैलाश शर्मा, कवि हरिराम गोपालपुरा, पत्रकार अमित प्रजापत मौजूद रहे, जबकि अध्यक्षता प्राचार्य अली राम सेवलिया ने की। अतिथियों ने माँ सरस्वती भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद स्वागत गान हुआ और छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। आईटीआई के विभिन्न प्रकल्पों में प्रथम, द्वितीय और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले होनहार विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पीएम विश्वकर्मा योजना के कुल 73 महिला व पुरुष लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर साहित्यकार डॉक्टर घनश्यामनाथ कसावा ने कहा कि लगातार मेहनत से सफलता निश्चित है। सांवर मल प्रजापति ने आईटीआई की अब तक की विकास यात्रा के बारे में बताया, जबकि कवि हरिराम गोपालपुरा ने संस्कारों के साथ शिक्षा अर्जन की बात कही। प्राचार्य ख्यालीराम सेवलिया ने आभार प्रकट किया, संचालन दौलत सिंह ने किया। अतिथियों का माल्यार्पण करके स्वागत आलोक विजय दिनेश नाथ राकेश कुमार आदि लोगों ने किया। एमटी विकास उथार ने प्रशिक्षण के बारे में विस्तारित जानकारी। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुजानगढ़ आईटीआई के अंदर आज पीएम विश्वकर्मा योजना के प्रशिक्षणार्थियों को हमने प्रमाण पत्र वितरण किए और कार्यक्रम में रंगारंग प्रस्तुतियां भी हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश में और हमारे प्रांत में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत हमारी सुजानगढ़ की आईटीआई का भी चयन हुआ था, लेकिन किसी कारणों से यहाँ वो कार्यक्रम नहीं हो पाया, लेकिन प्रशिक्षणार्थियों को निराशा ना हो इसलिए आज ये कार्यक्रम रखा गया और दूर दराज से आए सभी प्रशिक्षणार्थियों को एक समारोह पूर्वक हमने आज प्रमाण पत्र का वितरण किया। सुजानगढ़ के राजकीय पीसीबी उच्च माध्यमिक विद्यालय में 35वीं तहसील स्तरीय शिक्षक खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का समापन हो गया है। मुख्य अतिथि CBEO सुनीता पुनिया रही, जबकि अध्यक्षता वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक जवाहर सिंह ने की। प्रधानाचार्य रणवीर सिंह महरिया ने बताया कि 9 प्रकार की खेल कूद प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिनमें कुल 131 शिक्षकों ने उत्साह के साथ भाग लिया। प्रतिभावान शिक्षकों का जिला स्तर पर चयन किया गया। निर्णय की भूमिका योगेश सविता, नेमाराम प्रजापत, सुधेंद्र जोशी, धनराज भाटी, ओंकार सिंह, चैन रूप, नेमाराम रामलाल रूडी ने निभाई है। PCB राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुजानगढ़ में 35वीं शिक्षक क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता 2024-25 आयोजित की गई है, जो एक दिनांक
20 और 21 सितंबर को दो दिवसीय ये टूर्नामेंट हुए हैं, जिसमें पूरा जो सुजानगढ़ ब्लॉक के विभिन्न प्रकार के गेम्स यहाँ पर हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से बैडमिंटन है, फुटबॉल है, कबड्डी है, टेबल टेनिस है, बास्केटबॉल बॉल भी है, वॉलीबॉल, शतरंज और एथलेटिक्स। इस प्रकार से सभी प्रकार के गेम्स में कुल मिलाकर के 131 जो शिक्षकों ने भाग लिया है और आज इस गेम का समापन हो रहा है।